आज हम बनाने वाले हैं ये टीवी रिमोट कवर। ये ऐसा रहेगा, कोई भी रिमोट का बना सकते हैं हम, सेटअप बॉक्स के कोई भी। मैं इसका माप लेना बता दूंगा, कैसे लेना है माप, वीडियो में आगे पूरा वीडियो जरूर देखना आप। और ये जो रहेगा हमारा बैक साइड से ऐसा खुलने वाला रहेगा, वेलप्रो लगा देंगे हम इसमें। ये ऐसा इसमें यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। इस पन्नी का नाम है सोनोलाइट और इसको लेमिनेट पन्नी भी बोलते हैं। ये 40-45 रुपए मीटर मिलती है, जिसमें काफी सारे बन जाएगा हमारा। इसी पन्नी से हम साड़ी कवर भी बनाते हैं। ये ऐसा रहता है। ऐसे ही न्यू बैग की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये रिमोट लेंगे, जो भी रिमोट का हमको कवर बनाना है वो ले लेंगे। उसके बाद हम उसको नाप लेंगे कितना बड़ा रहेगा। तो हम ये कोने से लेंगे उसका और ये ऐसा घुमाएंगे इसको टेप को, और यहाँ आने के बाद थोड़ा इसमें ज्यादा लेंगे। ये हमारा 17 इंची तक लेंगे क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पे वेलक्रो भी चिपकाने के लिए रहेगा। एक मैं 17 इंची का काट लूंगा खड़ा जिसमें, और इसको फिर आड़े भी नाप लेंगे इसका कितना इंची रहेगा। ये आ रहा है 2 इंची, हम इसको 2.5 इंची ले लेंगे, बड़ा रहेगा, सिलाई में भी दबेगा इसके लिए। ऐसी हमारे ये साइज मिल गया हमारा 17x2.5 का, ये एक रहेगा। और एक बाजू में जो पट्टी लगेगी उसके लिए भी इसको गिन लेंगे यहाँ से कितना लंबा है ये हमारा रिमोट। तो हम इसको यहाँ से 7 इंची का ले लेंगे, 1 इंची 1x7 का ऐसी काट लेता हूँ मैं। ये हमने पन्नी काट ली है पूरी, ये 17x2.5 की है ये हमारी पन्नी लंबाई। और ये 2 पट्टी है जो साइड में लगेंगी हमारी, ये 7x1 की है। ये लंबाई इसकी 7 इंची है और चौड़ाई 1 इंची है, दोनों की दो साइड रहेंगी। तो अब इसको हम सिल लेंगे। पहले इसको रखेंगे एक साइड ऐसा और यहाँ से इसमें एक सिलाई मार देंगे। उससे भी पहले हम वेलप्रो लगा लेते हैं दो कोने पे, दोनों में। यहाँ एक लगाएंगे 2.5 इंची का क्योंकि इसकी चौड़ाई हमारी 2.5 इंची है। तो यहाँ से वेलप्रो लगाएंगे एक साइड ये ऐसा, और ये दूसरी साइड दूसरा दूसरे कॉर्नर पे हमारा। पहले हम इसको सिल लें। हमारी हो गई इसमें सिलाई, ये दो तरफ से सिलाई हो गई है, एक ये ऊपर एक ये नीचे। ये हो गई हमारा वेलक्रो, सामने से लग गया है। ऐसे ही ये दूसरे कॉर्नर पे भी एक इसका जो रहेगा वो दूसरा साइड, वो इसमें इस कॉर्नर पे लगा लेंगे हम, जिससे ये हमारा ऐसा चिपकना। ये हमारा दूसरा भी लग गया, ये याला सॉफ्ट वाला साइड है और ये काटे वाला, इसमें ये दोनों ऐसा चिपकने वाला बन जाएगा। दोनों वेलप्रो लगने के बाद हमारा ये ऐसा, इसमें अब हम ये जो हमने 1 इंची की वाली पट्टी काटे 1x7 की, इसको लगा लेंगे हम। कोई भी एक साइड से लगाएंगे, पहले ये याले साइड से यहाँ को इसको ऐसा उल्टा रखेंगे और इसमें सिलाई कर देंगे इसको चारों तरफ से। यहाँ रखेंगे इसके ऊपर ये, यहाँ से इसमें सिलाई मार देंगे हम। ये हमारा एक साइड का लग गया, देख सकते हैं ये चारों तरफ, ये तीन तरफ सिलाई हो गई और ये ऐसा बन गया। अब ऐसे ही ये दूसरे तरफ भी लगा लेंगे हम, ये जो हमारी 1x7 की है पट्टी, ये सेम दूसरे तरफ भी लग जाएंगे। ये
हमारा बन गया, दूसरी तरफ भी सिलाई होगी इसमें, ये इस साइड भी लग गई, ये ऐसी बन जाएगा। अब इस पे हम पाइपिंग मार लेंगे, अभी तो हमारा ये तैयार हो गया है, इसके अंदर हम रिमोट डाल के इसको ये ऐसा पैक कर लेंगे, पर ये अच्छा दिखने के लिए इसमें हम पाइपिंग मार लेंगे चारों तरफ, जिससे ये अच्छा भी दिखेगा उठ के दिखेगा। तो इसमें हम पहले पाइपिंग मार लेते हैं, ये अब 1 इंच की ऐसी ये पाइपिंग ले लेंगे हम, ब्लैक कलर की, कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसको यहाँ से ऐसी एक कोने से चालू करेंगे इसको लगाना, इसको ये ऊपर के कोने से यहाँ आधी आधी ऐसी फोल्ड मारेंगे और इसको पूरे तरफ घुमा देंगे, यही से यही ये पाइपिंग बनने के बाद हमारा ये ऐसा तैयार हो गया है, ये इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। पहले इसमें हम वो डाल लेंगे रिमोट, इसको उल्टा डालेंगे क्योंकि ये हमारा पीछे आना चाहिए, ये ऐसा चिपका देंगे, ये चिपक गया, ये हमारा सामने से बन गया है पूरा रिमोट कवर इसका, ये साइड से भी ये ऐसा रहेगा, ये सामने का ही है, यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए काम करेगा आसानी से, ऐसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आसानी से समझ आई होगी। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके सुझाव से वीडियो और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।